हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। पहले तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि ऑटोमेटा वर्ड का मतलब क्या है। बेसिकली ऑटोमेटा वर्ड जो है ये ऑटोमेशन से निकल के आया है, द वर्ड दैट इज ऑटोमेशन। AU ऑटोमेशन बेसिकली ये सिंगुलर वर्ड है, एंड इसके बाद जब इसके हम प्लूरल वर्ड की बात करते हैं तो ऑटोमेटा वर्ड निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटा, प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेटा होता क्या है? जब भी हम कहीं पर मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन डिजाइनिंग में जब भी कहीं पर स्टेट्स और इनपुट की बात अगर आती है, स्टेट्स एंड इनपुट, तो उनका डिजाइनिंग पार्ट हम लोग ऑटोमेशन में कंसीडर करते हैं। इसी से हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा का फर्स्ट टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा, मींस इट स्टैंड्स फॉर स्टेट्स एंड इनपुट्स, स्टेट्स एंड इनपुट। अब स्टेट्स एंड इनपुट्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास, जैसे कि लिफ्ट है हमारा। लिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो जो लिफ्ट के फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, तो उन फ्लोर्स को हम लोग कंसीडर करें अगर एज अ स्टेट, और बटन से अगर हम कुछ इनपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट सिंबल्स। अब इनपुट क्या आता है? अगर हम यहाँ पर कुछ भी अल्फाबेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABCD, स्मॉल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट डॉट डॉट, कुछ सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल 0 एंड 1 एंड ऑल दैट इज सिंबल्स ऑल्सो, तो इनको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ इनपुट। अब अगर हम यहाँ पर कुछ स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स को जनरली हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से Q0, Q1, Q2, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q0, सफिक्स में 0, इस तरीके से डिनोट करते हैं स्टेट्स को, Q0, Q1, Q1 को जस्ट मोमेंट, Q0, Q1, Q2, तो ये हमारी आती हैं स्टेट्स, इनको मैं सफिक्स में रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q0, इस तरीके से स्टेट्स रिप्रेजेंट की जाएंगी Q0, Q1 एंड Q2, ये हो गई हमारी स्टेट्स, स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट की जाएंगी ये सारी की सारी, दैट इज कॉल्ड स्टेट्स। अब जो मैंने आपको लिफ्ट का एग्जांपल दिया है कि लिफ्ट में हम लोग अगर जो हमारी फ्लोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हमारा एक तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि जो हमारी स्टेट्स हैं, ये हमारी एक तरीके से स्टेट्स हो गई, जस्ट सेटिंग थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारी एक तरीके से स्टेट्स हैं, ये फ्लोर्स हो गए हमारे किसी भी बिल्डिंग के, फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन। अब अगर मैं इनको एज अ स्टेट्स कंसीडर करूँ कि ये एक स्टेट है, स्टेट नंबर 1, ये स्टेट नंबर 2,
और इसमें अगर हम कुछ इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल बटन से आप लोग फ्लोर्स को कॉल, लिफ्ट को कॉल करते हैं, तो जो इनपुट जाता है उसको मैं कंसिडर करता हूँ एज अ इनपुट। तो इसको अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट हो गई हमारी स्टेट नंबर वन, इसके बाद लिफ्ट जाती है किसी दूसरी स्टेट में, स्टेट टू। कुछ आप इनपुट दे रहे होते हैं जिस इनपुट के थ्रू हमारा स्टेट चेंज हो रहा होता है। तो इस तरीके की प्रोसीडिंग जो भी होती है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से मशीन की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट स्टेट। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी एक स्टार्ट स्टेट हो गई। और जो हमारी फाइनल स्टेट होती है उसको हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से डबल सर्कल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में बेसिकली जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें हमारे सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स जाते हैं। ये हमारे हो गए इनपुट सिंबल्स, स्मॉल लेटर में ए बी सी डी या 01 या कोई और सिंबल्स। जो स्टेट्स हमारी होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Q0, Q1, Q2। आप 1, 2, 3 भी 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में कैपिटल ए कैपिटल बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल सी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो जाती है। तो जहाँ पर भी हम कहीं पर स्टेट्स की बात करते हैं, ये जो हमारी स्टेट्स बनी हुई हैं, ये स्टेट्स को और इनके साथ अगर कुछ इनपुट जा रहा होता है तो हम लोग उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, लिफ्ट है, लिफ्ट के फ्लोर्स को हम लोग स्टेट्स कंसीडर कर सकते हैं। और जो हम मशीन स्विच से इनपुट दे रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर कॉलिंग, दैट इज कॉल्ड सब इनपुट। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं व्हीकल के, व्हीकल न्यूट्रल में होता है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, इग्निशन हम लोग देते हैं चाक की से। तो इग्निशन जब हम लोग लगाते हैं तो वो स्टार्टिंग स्टेट होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लच और गियर के थ्रू हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, देन वो फर्स्ट गियर में हम लोग व्हीकल को मूव कराते हैं, देन फिर अगेन सम इनपुट देते हैं तो फिर वो गाड़ी आगे मूव करती है, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं गाड़ी चलाने में। तो जो भी आप किसी भी मशीन का अगर आप स्टेट्स चेंज कर रहे होते हैं, जहाँ पर भी किसी भी मशीन का स्टेट चेंज, और स्टेट चेंज तभी होगा कुछ इनपुट के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पहला टॉपिक जो हमारा ऑटोमेटा निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। और इस फाइनाइट ऑटोमेटा में दो ही चीजें यूज होती हैं कि एक तो स्टेट का कॉम्बिनेशन चलेगा और स्टेट चेंज होगी वाया सम इनपुट। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं से हमारी स्टेट की स्टार्टिंग स्टेट होगी, जो मैंने ये बनाई हुई है, और कहीं ना कहीं हमारी बीच में फाइनल स्टेट होगी, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक निकल के आएगा फाइनाइट ऑटोमेटा। अब अगर मैं इस बात करता हूँ दूसरे टॉपिक इसके बाद, इसमें अगर हमारा कहीं पर आउटपुट की बात आ जाती है, जब हम कहीं पर आउटपुट से हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं, जस्ट अगर मैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक अगर मैं लेकर चलता हूँ, इसी में आगे चलते हैं, तो सेकेंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉल्ड मशीन्स, मिले और मूरे मशीन्स, मशीन। अगर कहीं पर इन स्टेट्स में जो आपने ट्रांजिशन सभी लिखे हुए हैं, मैं दोबारा से एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर जो आपने स्टेट्स बनाए हुए हैं उन स्टेट्स में अगर जस्ट अगर मैं यहां पर कहता हूं कि हमारी कोई स्टेट सी Q0, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट था, इस स्टेट से मैंने कुछ ट्रांजिशन किया, कुछ इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल 1 मैंने इनपुट दिया और मशीन आई Q1 स्टेट पे, इसके बाद मैंने कुछ आउटपुट दिया, इनपुट दिया, तो मशीन हमारी पहुंची Q2 स्टेट में। अभी यहां पर केवल दो ही चीजों की बात हो रही है कि स्टेट ये रहे और इनपुट दे रहा हूं मैं 1। अब अगर यहां पर कहीं आउटपुट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 इनपुट दे के मशीन को आउटपुट मिला 0, या 0 मैंने इनपुट देके आउटपुट मिला मुझे 1, तो ये जो ऑप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है स्लैश के बाद जब हम लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट ऐसे भी लिखा जा सकता है या आउटपुट ऐसे भी लिखा जा सकता है, पर्टिकुलर स्टेट का भी आउटपुट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Q2 स्लैश 0,
मतलब मैं इसका मतलब यह है कि Q2 जो स्टेट है उस स्टेट का आउटपुट है जीरो। तो जब भी हम कहीं पर आउटपुट की बात कर रहे होते हैं मशीन में कई स्टेट्स और इनपुट देने पे, अगर आउटपुट निकल के आ रहा होता है तो फिर उस हम इसको बोलते हैं मिले और मूरे मशीन। इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। तो किसी भी मशीन में अगर आउटपुट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं मिले एंड मूरे मशीन। इसका मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टेट्स विद सम इनपुट एंड आउटपुट सिंबल, सम इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड मिले एंड मूरे मशीन। अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट, अभी मैंने स्टेट्स लिया, इनपुट लिया, आउटपुट लिया। अब इसके बाद अगर हम इसके आगे की कहानी चलते हैं तो इसमें निकल के आता है जो भी हम ये बना रहे होते हैं, स्टेट्स लिख रहे हैं, इनपुट लिख रहे हैं, आउटपुट लिख रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ ग्रामर निकल के आती है। ग्रामर, हम ये ग्रामर कैसे लिखेंगे? आपने देखा होगा मैंने जो टॉपिक लिखा है सब्जेक्ट में वर्ड मेंशन है फॉर्मल लैंग्वेजेस, तो ये फॉर्मल लैंग्वेजेस भी कहीं ना कहीं ग्रामर से एसोसिएटेड है। तो पहले मैं फॉर्मल लैंग्वेजेस का मतलब बताता हूँ। फॉर्मल लैंग्वेजेस का मतलब होता है, फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स कौन से? जो आपने सिंबल्स अभी दिए थे 0 1, 0,1, a,b, तो ये जो भी हमारे सिंबल्स हैं इनसे जो भी स्ट्रिंग बनेगी। अब इससे स्ट्रिंग क्या बनेंगी? स्ट्रिंग बनेंगी हमारी ए ए बी बी या 0011 या 01 0101। तो इस तरीके से जो भी हमारी स्ट्रिंग निकल के आती है स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे सभी को। तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ऑफ सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम सम फाइनाइट अल्फाबेट। मैं एक वर्ड और यूज कर देता हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम सम फाइनाइट अल्फाबेट्स। फाइनाइट मीन्स डिफाइंड, डेफिनेट अल्फाबेट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अल्फाबेट्स इनफाइनाइट हैं उनमें से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनाइट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो 01AB, इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे अगर प्रॉपरली लिखा जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम मेंशन करेंगे, अगर मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ ब्रैकेट ये यूज करूंगा 0,1, या हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से दूसरे AB के फॉर्म में लिखें तो a,b। तो a,b क्या है? फाइनाइट अल्फाबेट है, ये फाइनाइट अल्फाबेट्स होंगे। इन अल्फाबेट से हम लोग जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो को लिखने में जो ग्रामर हम लोग यूज करेंगे वो ग्रामर भी हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे तीसरे टॉपिक के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ग्रामर्स। इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम इस सब्जेक्ट में बेसिकली CFG का यूज करेंगे। CFG स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है ये मैं आगे जब इस लेक्चर को कंसिडर आगे स्टडी करूंगा तब फिर वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। तो दो टॉपिक हुए, पहला टॉपिक हुआ फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा टॉपिक हुआ मिले मूरे मशीन्स, तीसरा टॉपिक हुआ फॉर्मल लैंग्वेजेस, चौथा टॉपिक इसमें आता है एक आपको पढ़ना पड़ेगा जो फोर्थ हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड PDA, दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर हमारी किसी भी मशीन, इन सारी मशीन्स में कहीं पर भी कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे निकल के आते हैं, स्टेट्स इनपुट तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जो आउटपुट कंसीडर कर रहे होते हैं वो भी ठीक है, लेकिन PDA में अगर कहीं पर स्ट्रिंग इस तरीके से दी जाती है कि हमें कुछ स्टोरेज की अगर जरूरत पड़ रही होती है, स्टैक में हम लोग कहीं वैल्यू डाल रहे होते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग कंसिडर करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा में। ये भी जब मैं PDA को डिस्कस करूंगा तो फिर आगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन्स। बेसिकली ये ट्यूरिंग मशीन्स इज नॉट द एग्जैक्ट मशीन्स, ये मशीन्स केवल कॉन्सेप्चुअल मशीन्स होती हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ट्यूरिंग मशीन्स में हम लोग एक टेप होता है हमारे पास इस तरीके से, इस टेप जो मैग्नेटिक टेप भी आप लोगों ने पहले देखा होगा, जो टेप हमारे इस तरीके से होते हैं, इस टेप पे कुछ इस सिंबल्स हमारे चल रहे होते हैं 0 1 0 1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जब स्टडी पूरा करेंगे कि ये मशीन में कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेस की जाती है ये सारी स्ट्रिंग्स, तो ये चीज हमारी निकल के आती है। तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट में बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में, चार टॉप कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है।
फर्स्ट वन इज फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम लोग स्टेट्स और इनपुट की बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक स्टेट्स एंड इनपुट। स्टेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, लिफ्ट का एग्जांपल लिया। अगर हम चेंज कर रहे होते हैं पोजीशंस तो दैट इज उसकी स्टेट्स होती हैं। जब हम कॉल कर रहे होते हैं, कुछ इनपुट्स के थ्रू दे रहे होते हैं तो वो इनपुट होता है। एक रॉ फॉर्म में मैंने आपको बताया कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। इसके बाद एनी स्टेट्स और इनपुट के साथ अगर कुछ आउटपुट वर्ड लगा हुआ होता है, कुछ आउटपुट निकल के आ रहा होता है या स्टेट्स की कुछ आउटपुट होती है, तो वो पूरी स्टडी करेंगे अंडर मिले मोरे मशीन्स। इसके बाद इन मशीन्स को लिखने के लिए जो हमारी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगे उसको बनाते हैं हम लोग, से हम लोग बनाते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। और लैंग्वेज लिखने के लिए जो ग्रामर नेसेसरी होती है, ग्रामर कैसे डिजाइन की जाएगी वो हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब भी मैंने नहीं बताया, इसको बाद में ही बताएंगे। इसके बाद पीडीएफ, पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में हम लोग अगर कहीं पर हम लोग मशीन्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, उस मशीन्स में अगर कहीं कुछ इनपुट के साथ साथ हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो उसको स्टैक में हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इसके बाद हम पॉप करते हैं, लैंड ऑल, ये सब ऑपरेशंस होते हैं, अभी बाद में डिटेल में चलते रहेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन, जिसमें स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशंस होते हैं, पूरी कॉम्बिनेशंस को हम लोग टेप ड्राइव पे पूरा इसको डिजाइन कर रहे होते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, ट्यूरिंग मशीन्स हमारी कोई एग्जैक्ट मशीन्स को जनरली हम नहीं कहते हैं, कंप्यूटिंग मशीन्स हैं जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में इसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमारे 5 टॉपिक्स हैं ऑटोमेटा में। फर्स्ट वन इज फाइनाइट ऑटोमेटा, सेकेंड वन इज मिले मुरे मशीन्स, थर्ड वन इज ग्रामर एंड लैंग्वेजेस, एंड फोर्थ वन इज पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड फोर्थ टॉपिक इज फाइव वन इज ट्यूरिंग मशीन्स। ये 5 टॉपिक हम लोग पूरे सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा से और इसके सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।